क्रिकेट को पटरी पर लाने के लिए बीसीसीआई को बनना पड़ेगा राजनेता, गौतम गंभीर ने किया ये दावा। कोरोना वायरस की वजह से क्रिकेट से जुड़े हुए तमाम देशों के बोर्ड को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सबकी नजरें बीसीसीआई पर आकर टिक गई है। कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में क्रिकेट बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। पिछले दो महीनों में कई क्रिकेट टूर्नामेंट्स रद्द होने की वजह से खेल से जुड़े हुए बोर्ड आर्थिक घाटे में चले गए हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में सभी की नजरें दुनिया के सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई पर है। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज गौतम गंभीर ने भी माना कि बीसीसीआई इस संकट से दूसरे देश को उभारने के लिए एक राजनेता की भूमिका निभानी होगी। साल के अंत में टीम इंडिया के ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बीसीसीआई ने पॉजिटिव पहल की। गंभीर ने कहा, बीसीसीआई का ये शानदार कदम है, ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है। वे शायद बड़ी तस्वीर देख रहे हैं, ये देश के मूड को बदल देगा। सीरीज जीतना एक अलग बात है और वहाँ जाना बहुत बड़ी बात होगी। ये दोनों देशों के मिजाज को बदल देगा, भारत ही नहीं बल्कि शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ये एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। उन्होंने कहा, बीसीसीआई सबसे अमीर बोर्ड है और ऐसे में उसे आगे आकर स्थिति को संभालना चाहिए तथा उसे राजनेता की भूमिका निभाना चाहिए। अगर भारत ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाता है तो मेरी नज़र में बीसीसीआई के लिए और सम्मान बढ़ जाएगा। बता दें कि हाल ही में बीसीसीआई कोषाध्यक्ष अरुण धूमल ने कहा कि ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए क्रिकेटर्स के दो हफ्ते के लिए क्वारंटाइन रखने में कोई समस्या नहीं है। बीसीसीआई की ओर से आए इस बयान के बाद भारत के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने की संभावना काफ़ी बढ़ गई है। गंभीर ने साथ ही आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान भारत से लेकर ऑस्ट्रेलिया टीम को देने पर भी निराशा जाहिर की है। गंभीर ने कहा, मेरे लिए भारत को ही नंबर वन पर होना चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को नंबर वन रैंकिंग कैसे दी। घर के बाहर उनका प्रदर्शन बेहद खराब है, खासकर उपमहाद्वीप में। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टेस्ट सीरीज से पहले 2020 विश्व कप का आयोजन भी होना है, लेकिन विश्व कप के आयोजन पर सवालिया निशाना लगा हुआ है।